हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ना बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है, आज कौन सा दिन है? आज है फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे का दिन है आज। मैं तो दिन ही भूल जाती हूँ। तो अभी हो रहा है 1:15 का टाइम और अभी तक मैं पूरा काम करके हो गई थी फ्री। और ये लाइट क्यों कम होने लगी? ठीक है ना लाइट? अब आपको लाइट ठीक दिख रही होगी ना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करने जा रही थी कुछ काम, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है तो व्लॉग मेरा कंटिन्यू जब बना ही नहीं पा रही हूँ तो आप लोगों तक मैं पोस्ट कैसे करूँ, तो इसलिए मैंने सोचा ना। तो अभी मैं कुछ रीलें शूट कर रही थी, इसीलिए ये झुमका उमका पहना हुआ है। और ये झुमके जो है ना मेरे फेवरेट है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यही वाले पहनती हूँ। बाकी तो बहुत सारे पड़े हैं मगर मैं पहनती नहीं हूँ। तो अभी बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है, 1:15 का टाइम हो चुका है, बच्चे 2:30 बजे तक आ जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के ना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मेकओवर में मैं एक चीज़ भूल गई थी, भूल नहीं गई थी, मेरे पास ना मेनली उस समय हो नहीं पाया, मैं ला नहीं पाई थी। उसमें मैंने ऑर्डर किया था लेकिन वो टाइम से ज़्यादा ऊपर जा रहा था कि फिर मेरा वीडियो ना बहुत लेट हो जाता, तो फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। फिर मैंने सोचा कि ऑर्डर ही क्यों करना भाई, जब उसको हम घर में बना सकते हैं। और ऐसी चीज़ है, क्या बनाने वाली हूँ, ऐसी चीज़ बनाने वाली हूँ जो हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही सुपर चीज़ है और किचन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मल्टीपर्पज़ उसको हम यूज़ कर सकते हैं, बट आज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, दिखाते हैं कि आपको क्या बनाने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है ये येलो कलर की साड़ी से मैंने बनाया था, और ये मैंने बनाया था सोफे का कवर। तो इसका वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगी, आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऊपर साड़ी लगी है, अंदर की साइड से मेरे पास एक व्हाइट बेकार चादर थी ना, तो उसका मैंने यूज कर लिया था। और यहाँ पे मैंने ले लिया है बहुत ही पुराने जमाने वाला ब्लैंकेट, जो कि बिल्कुल भी यूज में नहीं होता है। ये ना थोड़ा सा ड्राई होता है तो चुभता है ये, तो आजकल इसको कोई भी ओढ़ना प्रेफर ही नहीं करता है। तो ये बहुत समय से मेरे घर में पड़ा था, तो मैंने कहा चलो इसी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ना इसकी किनारी कट करके हटा दी है। उसके बाद देखिए, मैंने इसमें से जो इसकी फ्रिल लगी थी ना, वो वाला हिस्सा मैंने हटा दिया है और उसको मैंने उल्टा करके बिछा लिया है। और इसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप मतलब अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा या पतला मोटा भी कर सकते हो, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे इतना ही चाहिए था तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग कपड़े को भी कट किया है और इसको भी मैंने कट कर लिया ब्लैंकेट को। अब दोनों किनारों पे मेरे ना थोड़ा सा ग्रीन बॉर्डर आ रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने इस तरह से एडजस्ट कर लिया कि हल्का हल्का सा ऊपर के साइड दिखाई देगा और बाकी पूरा तो येलो दिखाई देगा। दोनों किनारों को भी मैंने इस तरह से मोड़ लिया है और जो एकदम लंबाई के साइड वाला था उसको भी मैंने अंदर के साइड फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स परी विराट आ गए थे, तो इसलिए बीच में मुझे अपना सिलाई कढ़ाई का काम करना पड़ा। और परी विराट परी ने तो नहीं खाया, विराटू खाना खा चुका है और अब परी जा रही है विराट को छोड़ने। अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिए विराट स्कूटी स्टार्ट कर रहे थे, बट आज स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आज परी स्कूटी लेके नहीं गई थी, तो स्कूटी में एकदम ठंडी पड़ी है। विराटू अकेडमी जा रहे हो ना, पेट दर्द ठीक है? पेट दर्द तो नहीं हो रहा है? क्या बदमाशी क्या हो रही है, इतना लंबा हो गया है? तो यहाँ पे देखे स्कूटी स्टार्ट हो गई है मुनिया की, जल्दी आना। और आज परी ना जा क्यों रही है, क्योंकि एक तो विराट को लेट भी हो गया, क्योंकि आज ये लोग उससे आए हैं ऑटो से मेट्रो से, तो आज इनको लेट भी हो गया है। और दूसरी बात, परी को जो है नन्ना के घर जाने का मन था, तो इसलिए और जा रही है कि नन्ना के घर होके आऊंगी। अब देखिए यहाँ पे चली गई है परी विराट को छोड़ने और अब आएगी अपनी नन्ना के घर होने के होके, मतलब वहाँ जाएगी पहले फिर यहाँ पे आएगी। और फिर तब तक के लिए मैं फिर घर पे अकेली हूँ, तो तब तक मैं अपना कर लूँ थोड़ा सा काम। डोर तो मैं सारे लॉक कर लेती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये वाला ऑलरेडी लॉक कर दिया है। और चलिए देखिए यहाँ पे ये पड़ा हुआ है आधा अधूरा काम, सिलाई लगानी थी तो तब तक ये लोग आ गए, तो मैंने कहा चलो अब बाद में करते हैं। तो चलिए अब लगा लेते हैं किनारों पे सिलाई। तो इस तरह से देखिए मैंने साइड के किनारों पे लगाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ना बहुत ज्यादा मोटी वाली सुई का यूज नहीं किया है, क्योंकि कंबल जो है काफी मोटा होता है ना, तो उसमें घुसता नहीं है। तो बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं ली है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं ली है, मीडियम साइज की ली है, जिससे मेरे से आराम से हो रहा है। और यहाँ पे मैं कच्चा नहीं कर रही, मैं यहाँ पे तुरपाई कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम ज्यादा जरूर लगा बट बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे अच्छे से सिलाई हो गई है मजबूती के साथ। तो देखिए यहाँ पे ये मैं नेक्स्ट डे आपको दिखा रही हूँ, मैं नेक्स्ट डे वीडियो शूट कर रही हूँ। देखिए पूरा अच्छे से ये रेडी हो चुका है और
इसकी लंबाई वगैरह आप देख सकते हो। और पीछे की साइड ना मैंने कोई भी कपड़ा नहीं लगाया है, बट अगर आप चाहो तो इस पे लगा सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं लगी तो फिर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है। तो चलिए अब इसको किनारा आपको दिखा देते हैं। इस तरह से देखिए थोड़ा सा किनारा जो है तो ग्रीन वाला बॉर्डर का आ रहा है, तो इस तरह से ना मैंने दोनों साइड फिर रख दिया था। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखिए जरा जरा सा आ रहा था तो मैंने कहा चलो डिजाइन हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हमारा ये बन के हो गया रेडी। इसको आप मल्टीपर्पज से यूज कर सकते हो, बिस्तर के ऊपर रनर एज कर सकते हो और नीचे भी डाल सकते हो, बट मुझे इसको डालना है अपने किचन में, तो मैंने किचन के अकॉर्डिंग ना इसको मैचिंग देने के लिए मैंने इसमें लगा दी है व्हाइट कलर की लेस। तो लेस को भी लगाने के लिए ना मुझे हाथ से ही लगाना है, क्योंकि भाई मशीन तो मेरे पास है बट वो ना के बराबर है, वो बेकार पड़ी हुई है, चल ही नहीं रही थी, मैंने बहुत दिन के बाद निकाली ना तो वो नहीं चल रही थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैंने पूरा ना हाथ से बनाया, मुझे जो भी काम सिलाई का पड़ रहा है मैं हाथ से ही कर रही हूँ। यहाँ पे समय जरूर मेरा बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन हाँ काम हो ही जाता है, इसलिए मेरे वीडियोस भी ना आप तक बहुत देर से आ पाते हैं, क्योंकि कुछ तो मेरे दूसरे काम रहते हैं, कुछ दूसरे चैनल पे काम करना होता है, इस वजह से थोड़ा और ज्यादा टाइम हो जाता है। तो फिलहाल मैंने इस तरह से इसके चारों किनारों पर लगा ली लेस। चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मुझे अपने किचन के लिए इसको बनाना था, तो इसलिए मैंने देखिए इसको इस तरह से बनाया है और पर्दों से मैच करके। ये अभी रिसेंटली मेरा वीडियो आया, अगर आपने नहीं देखा किचन मेकओवर का तो प्लीज जाकर जरूर देखिएगा। चलिए इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।